हेलो एवरीवन, स्टडी गेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 इज जीरो आर रैशनल नंबर्स, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म PYQ वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो आपको इसमें बताना है जीरो क्या आपका रैशनल नंबर है या इसे हम पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू आपका क्या है इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम बात करें जीरो की, इससे पहले हम नंबरों के बारे में जान चुके हैं। तो अगर हम जीरो की बात करें, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वह सभी आपके क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, सभी रैशनल नंबर। और पी और क्यू आपका इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम बात करें ज़ीरो की, तो ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन में फॉर्म वन लिख, ज़ीरो अपॉन में वन लिख सकते हैं। तो आपका क्यू ज़ीरो नहीं है। तो इसी प्रकार से ज़ीरो और वन आपके क्या इंटीजर्स है, ज़ीरो और वन। तो इसी टाइप से अगर हम क्या बोलेंगे, इसी तरह से तो ज़ीरो आपका एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम इस ज़ीरो वन की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आपको लिखना है यस जीरो इज आ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू दैट इज जीरो अपॉन में वन। तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q not इज इक्वल टू ज़ीरो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इससे पहले हम एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में बात कर चुके हैं 2 रैशनल नंबर। तो कोई भी 2 एनी नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन आपको सेम एज इट इज़ करना है जो आपके एग्जांपल में हमने करा था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन में सेम, अगर आपको 6 करने हैं तो 6 में एक आपको एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, 6 और 1 7। तो 7 से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, वी नाउ दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। ओके, फिर आपको लिखना है टू गेट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 सेम। इसके बाद आपको लिखना है सेम एग्जांपल की तरह 100 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 और एनी नंबर। 6 आपको फाइंड करने हैं तो 6 प्लस 1 7, तो सेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 और एनी नंबर मस्ट वी ग्रेटर देन 6।
और आपका जो भी नंबर हो वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हेयर 3 एंड 4, तो 3 से आपको क्या है 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, सेम 4 को 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, 3 7 जा 21 एंड अपॉन में 7, 4 7 जा 28 बाय 7। तो आपको लिखना है इसमें देयर फोर, देयर फोर द रैशनल नंबर आर 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7 एंड 27 बाय 7। तो ये आपके 6 रैशनल नंबर हैं बिटवीन 3 एंड 4। आई होप सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2nd की तरह आपको इसका सॉल्यूशन करना है, सेम वही वी नाउ दैट देयर आर इनफाइनाइट इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो आपके इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं बिटवीन टू नंबर्स, सेम वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है टू गेट 5 रैशनल रैशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड y 6। तो आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 प्लस 1 6, तो 6 से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, और एनी नंबर मस्ट वी ग्रेटर देन 5। तो आपको कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। हेयर 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। तो आपको क्या करना है, 3 बाई 5 से 3 बाई 5 को 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, तो आपको क्या मिलेगा नंबर 80 बाय 30। सेम 4 बाई 5 को 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर 24 बाय 30। सेम आपको अब नंबर इसमें मिल गए, तो आपको सॉल्यूशन में अब क्या लिखना है, देयर फॉर, देयर फॉर द रैशनल नंबर आर क्या होंगे आपके 19 बाय 30, 20 बाय 30, 21 बाय 30, 22 बाय 30 एंड 23 बाय 30। तो आपके जो 5 रैशनल नंबर है जो कि कुछ इस टाइप से है, 90 बाय 30, 20 बाय 30, 21 बाय 30, 22 बाय 30, 23 बाय 13। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3rd समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम एग्जांपल नंबर 1st की तरह आपका
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको रीजन के साथ आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं आपके नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स, तो इन्होंने बोला है एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या सभी होल नंबर्स होते हैं? यस। तो जितने भी आपके 1, 2, 3, 4 ये सभी आपके होल नंबर्स में ऑलरेडी होते हैं। तो इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स होते हैं। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। हाँ, ये चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन आपका क्या कहता है? एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स। तो इंटीजर्स की बात करें तो सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर्स होते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? नॉट। क्यों? क्योंकि आपके जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स का पार्ट नहीं होते। तो इसलिए आपको इसके सॉल्यूशन में क्या लिखना है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स का पार्ट नहीं होते। चलते हैं इसके लास्ट सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन आपका क्या कहता है? इसका सी ऑप्शन की बात करें, सी पार्ट इसका क्या कहता है लास्ट का? तो सी पार्ट आपका ये है, लास्ट इन्होंने क्या बोला है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको बताना है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। इन्होंने बोला है क्या सभी रैशनल नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं? तो आपको क्या करना है? नॉट। जितने भी अगर आप बात करें ऊपर से नीचे नंबरों की बात करते हैं नेचुरल होल इंटीजर, तो सभी नेचुरल होल होते हैं और होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ऑल इंटीजर रैशनल एंड ऑल नेचुरल रैशनल एंड हो ऑल होल रैशनल एंड ऑल इंटीजर्स रैशनल, सभी आपके क्या होते हैं? यस। बट जब नीचे से ऊपर नंबरों की बात किया है तो उन्होंने क्या बोला है? एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। तो सभी रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? नो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2/7 होल नंबर्स का पार्ट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में? दिस स्टेटमेंट्स इज फॉल्स बिकॉज रैशनल नंबर्स लाइक 2/7, 2/3, -3/4 एंड 8/9 आर नॉट द होल नंबर्स। तो ये सभी नंबर आपके होल नंबर्स का पार्ट नहीं है। आई होप एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ में आई होगी। तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।